जय हिंद। नमस्कार। क्या प्री 2006 के पेंशनर्स को एमएसईपी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ओएमजीसी की मंजूरी में क्या खुलासा हुआ है, जानते हैं आगे लेटर के द्वारा। दूसरे में बात करेंगे सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पर कम्यूटेशन कटौती पर लगाई रोक। तीसरे में बात करेंगे अग्निवीर के लिए डीएसपी अकाउंट क्यों जरूरी है, लेटर में हुआ बड़ा खुलासा। चौथे में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए सुनहरा मौका, जॉब फेयर में भाग लेकर पाए नई नौकरी। तो चारों अपडेट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़े, रोज की तरह आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। साथियों, जैसे हमें पता है एमएसपी जो लागू ही 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी रिटायरी है उनको एमएसपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ये ओआरओपी की एक बहुत बड़ी विसंगति थी। जो प्री 2006 के रिटायरी है उनको ये लाभ नहीं मिल रहा, तो इससे उनकी जो पेंशन में काफी हर महीने घाटा का सामना करना पड़ रहा है। आगे समझेंगे कि कितना एमएसपी नहीं मिलने से कितना उसको घाटा हो रहा है, टेबल के आधार पर समझेंगे दोस्त। और क्या ओएमजीसी की रिपोर्ट में एमएसपी प्री 2006 को देने की बात कही गई है, तो ये समझते हैं। एक ओएमजीसी की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने है, ये उस रिपोर्ट से उसका पार्ट लिया गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है वो समझने वाली बात है। वेदर द डिसीजन टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ एमएसपी अंडर ओआरओपी ओनली टू पेंशनर्स हु हैव एक्चुअली अर्न रेगुलर्स एनी मॉडिफिकेशंस। इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि एमएसपी की अवधारणा लागू होती है चाहे वह सशस्त्र बलों के किसी भी रैंक पर हो, उसी रैंक में सेवा से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को एमएसपी का लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते उन्हें सेवा में मौजूद कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों के अधीन किया जाए। हालांकि यह महसूस किया गया है कि यदि कोई पूर्व सैनिक एमएसपी का लाभ पाने के योग्य पाया जाता है तो उस संबंध में उसका जो देय बकाया यानी कि एरियर की जो राशि है उसको केवल उसी दिनांक से गणना और भुगतान किया जा सकता है जिस दिन ओआरओपी लागू हुई, अर्थात कि एमएसपी का लाभ उसको दे सकते हैं जिस डेट से उसको ये लागू है, लेकिन जो उसका एरियर है वो बेशक आप जब से ओआरओपी लागू ही वहां से आप उसको दे सकते हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया दोस्त। अब आगे समझते हैं कि इसमें जो बेनिफिट प्री 2006 के जो रिटायरी है उनको नहीं मिलने से उनको कितना घाटा हो रहा है वो समझ लेते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसके माध्यम से हमने इसमें समझाने की कोशिश की गई है एमएसपी से हर महीने होने वाला घाटा क्या है। प्री 2016 सिपाही 17 साल, नायक 22 साल, होल्डर 24 साल इस कॉलम में लिया है। ओआरओपी 2 के आधार पर उनकी जो पेंशन बनती है इतनी इसको मिली है दोस्त। यदि सिपाही फर्स्ट एमएसपी लेता है तो उसकी पेंशन हो जाती है 20,107 यानी कि 18,807 से बढ़कर 20,107 हो जाती है। यदि एमएसपी 2 का उसको लाभ मिलता है तो उसकी पेंशन बढ़ के हो जाती है 21,782, अर्थात जो प्री 2006 के यदि ये रिटायरी हैं तो इनको लॉस होगा। यदि फर्स्ट एमएसपी नहीं मिली तो 1,300 का लॉस होगा और सेकंड एमएसपी यदि उनको लागू होनी चाहिए थी नहीं मिली तो उनको लॉस हो रहा है 2,975 रुपए का पर मंथ पेंशन में दोस्त। ऐसे नायक 22 साल का ओआरओपी 2 में उनको 21,244 मिलती है, यदि एमएसपी उनको लागू होती है तो 22,257 उनका पेंशन बन जाती और उनको लॉस हो रहा 1,013 रुपए। ऐसे ही हवलदार 24 साल जिनकी ओआरओपी 2 में 22,257 है, यदि उनको एमएसपी का लाभ मिलता तो 24,825 हो जाती और उनको भी लॉस होता है 2,568 रुपए का, अर्थात आप ये देखें तो इसमें डीए भी जुड़ेगा दोस्तों। तो कितना प्रति महीने प्री 2006 के रिटायरियों को लॉस हो रहा है दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी जो पेंशन है ओआरओपी 3 टेबल में आने से पहले उसमें कुछ सुधार हो और इनको कंसीडर किया जाए, जबकि इसमें ओएमजीसी रिपोर्ट ने क्लियर किया है कि इनको एमएसपी दिया जा सकता है दोस्तों। इस पर आपका क्या विचार है जरूर आप कमेंट करें। अब बात करेंगे दोस्तों कम्यूटेशन कटौती पर। कम्यूटेशन कटौती एक आजकल ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जो कि आपने देखा हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, उसके बाद तो इस पर काफी लोगों ने कोर्ट में केस किए हैं, इवन एएफटी में भी इसके केस चले हैं और कटौती पर रोक लगा दी है दोस्तों। जैसे कि ये आप देखेंगे वित्त विभाग हरियाणा का था, उस आदेश के बाद इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे पैरा 3 में लिखा हुआ है कि जो भी कम्यूटेशन पर इन्होंने जो रिकवरी हो रही थी उस पर स्टे कर दिया, यानी कि इन्होंने कहा 10 साल जिसकी होगी है रिकवरी कटते हुए या उससे ज्यादा जिसकी कटौती होगी तो उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और बड़ी बात यह है सारे पेंशनर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के उनके लिए ये फायदा है, इंक्लूडिंग जो पिटिशनर्स थे जिन्होंने ये डाला हुआ है उनका भी। और ऐसी अब इस पर रोक पंजाब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने भी लगा दी दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं हाल ही की रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे आप। इस पर भी उन्होंने सेम यही कहा है कि जिसका 10 साल या उससे अधिक हो गया है उसकी जो है कम्यूटेशन कटौती पर रोक लगा दी, जो कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको माना जा रहा है दोस्तों। हालांकि इसका फाइनल फैसला आना बाकी है, तो उम्मीद ऐसी की जाती है कि ये पेंशनर्स के हक में इसका फैसला आएगा दोस्तों। क्या केंद्र सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रोक लगा सकती है और लगाना चाहिए दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों की भी यह मांग है कि 10 साल से ज्यादा इस पर कटौती नहीं होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना डिसीजन लेना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। अगले में बात करेंगे दोस्तों डीएसपी अकाउंट, ये एक लेटर है 6 अगस्त 2024 का, आप देखेंगे एड्रेस टू में ये सारा इनको दिया है और ये हेडक्वार्टर्स आर्टिलरी और पूरे कमांड्स को दिया गया है दोस्तों। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी 10 के द्वारा ये निकाला गया है और इसमें जो अवेयरनेस ऑन द डीएसपी अकाउंट बेनिफिट्स, जैसा कि हमें पता है कि डीएसपी अकाउंट न होने से क्या लॉस है और होने से उसके क्या फायदे हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो केस है, एक केस ऐसा है दोस्तों जो कि एक अग्निवीर था जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके जो एनओके को इसका लाभ नहीं मिल पाया। उसका कारण यह रहा कि उनका जो सेविंग अकाउंट था वो डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि सबको अवेयरनेस करें और बताएं कि सबका डीएसपी अकाउंट होना चाहिए और पेंशन आने के बाद उसको डीएसपी पेंशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना चाहिए। इस पर सभी ने इसको समझना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए और जिसको पता नहीं है उसको इसके बारे में अवेयरनेस भी करना चाहिए दोस्तों। अगली अपडेट में डीजीआर में 6 सितंबर 2024 को डीजीआर ने जॉब फेयर मेले का आयोजन किया गया है, जिसका स्थान है रांची झारखंड में, जो कि 6 सितंबर को होगा जैसे मैंने बताया, और यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ यहां पर सिस्टम इन्होंने बताया है, तो जो इसको आप बुक करा सकते हैं जाके, और यहां पर कुछ नंबर भी दिए हैं और ये यहां से आप देख सकते हैं, जिसका 7 बजे ऑनवर्ड से ये होगा रजिस्ट्रेशन, और इसका जो वेन्यू है यहाँ पर दिया गया है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी रांची झारखंड में ही होना है दोस्तों। जो भी इसमें इच्छुक कैंडिडेट हैं वो जा सकते हैं, इससे आप फायदा ले सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।